जब भी हवा भरवा रहा हूँ गाड़ी खड़ी होती है, हवा नहीं होती है। पीछे वाले टायर से ऐसा बर्न आउट मारेंगे ना कि राख कर देंगे, जला देंगे पूरा, मतलब धुआं धुआं कर देंगे। तो भाई लोग टायर में मिली है कील, तो ये देखो भाई ये कील घुसा हुआ था अपने टायर के अंदर। ओ भाई खतरनाक। पंचर हो गया क्या हो गया। बहुत ही ज्यादा इसमें हवा निकल रही है, पंचर है शायद खतरनाक वाला। हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग लेके जाएंगे मस्टैंग को, सबसे पहले इसका टायर पंचर ठीक करवाएंगे। पता नहीं क्या दिक्कत है, कब से जब भी गाड़ी यहाँ पर है ट्यूबलेस ही होगा ऑब्वियसली, बट पता नहीं क्या दिक्कत है यार। मैं जब भी हवा भरवा रहा हूँ गाड़ी खड़ी होती है, हवा नहीं होती है जब भी ऑन करते हैं, तो कुछ दिक्कत है शायद टायर में ही। तो अभी लेके चलते हैं, दिखाते हैं टायर क्या दिक्कत है, पता करते हैं, इसको ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चलाने का आपको पता है मजा नहीं आता जब टायर में हवा ना हो। चलो फिलहाल अभी इसको निकालने के लिए अपनी निंजू पिंजू को निकालना पड़ेगा, तो निंजू को कर देते हैं अपनी स्टार्ट हो गई कोल स्टार्ट कर देते हैं इसको न्यूट्रल पे, फर्स्ट गियर पे। कौन छोड़ के गया भाई इसको। ओके गाइस, अब आ गई न्यूट्रल पे, अनडब करते हैं इसको स्टार्ट। हियर वी गो, लेट्स गो। इसकी लाइट्स कहाँ से बंद होती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लाइट्स कहाँ से बंद होगी, आई थिंक यहाँ से होगी, पता नहीं यार कैसे बंद होगी। ओके सो गाइस, बाइक निकल चुकी है बाहर, अब करते हैं कार को स्टार्ट फटाफट से जल्दी जल्दी। एंड अभी ना छुट्टी का टाइम है, तो बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं और बाहर ना ट्रैफिक लग सकता है, और वो गाड़ी अभी भी नहीं हटी है, इसको तो भाई हटवाना पड़ेगा किस तरह। तेल भी कम है और टायर का प्रेशर देखो कितना ज़्यादा कम हो चुका है भाई, मैं ये क्या बोलूँ भाई, मैं इसको यार आज करवाना पड़ेगा ठीक किसी भी हालत में, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बस यही है कि अपने को गाड़ी बाहर निकालनी इतनी कम जगह से, और बल्कि उस साइड से भी गाड़ी आ रही है, इस साइड से भी गाड़ी आ रही है, अगर दोनों साइड से एक टाइम पर गाड़ी आ गई तो फिर ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो दिक्कत आ जाएगी, फिर पीछे रहनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा ना जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और जल्दी हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे गाड़ी है आपको पता ही है, बट देखते हैं अब क्या होता है, कितनी जल्दी निकलती है, कितना टाइम लगता है। तो भाई लोग गुड न्यूज है, एक बारी में ही तुम्हारे भाई ने निकाल दी, सीधी करके फटाफट निकाल दी, और किस्मत भी अच्छी थी कि गाड़ी थी इस साइड बट रुक गई थी, और हम लोगों ने बस एकदम से निकाल ली, एक मिनट भी नहीं लगा यार। तुम्हारे भाई की ड्राइविंग स्किल्स तो देखो खतरनाक है, मेरे को पता है बाइक नहीं अच्छे से चलाता हूँ, बट ड्राइविंग स्किल्स पे ना तुम लोग शक नहीं कर सकते। और ना अगर मेरे टायर, वो पीछे वाला टायर अगर क्या बोलते खराब हुआ ना, अगर वो किसी अब काम का ना हुआ पीछे वाले, वैसे अपने को चेंज करना है, तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या तुम लोगों को बर्न आउट का व्लॉग चाहिए, पूरे टायर जो पीछे वाले हैं ना उनको राख कर देंगे, जला देंगे पूरा, मतलब धुआं धुआं कर देंगे, और पीछे वाले टायर से ऐसा बर्न आउट मारेंगे ना कि इसमें तो इतना ज्यादा खतरनाक बर्न आउट बचता है ना, एंड डोनट भी इतने मस्त बचते हैं, बट उसके लिए अपने को चाहिए खाली स्पेस, तो पहले वो ढूंढनी पड़ेगी। और कमेंट करके बताना क्या बर्न आउट की वीडियो चाहिए, अगर ये टायर हमारे खत्म हो गए फिर नए टायर लगवा लेंगे। तो पहुंच चुके अभी वॉश करवाने के लिए, गाड़ी लगा दी है, पहले वॉश करवाएंगे, उसके बाद इसका जो टायर का सीन है वो देखते हैं क्या है, उस टायर ठीक करवाएंगे, फिर निकलते हैं कहीं पे मस्त जगह पे घूमने के लिए। ये देखो भाई गाड़ी कुछ ऐसी है, और उतनी भी गंदी नहीं हुई बट फिर भी यार क्लीन करवा लो तो बढ़िया ही है। वैसे ऐसे कैमरे में नहीं दिख रही है बट गंदी है ऐसे, एक्चुअल में ऐसे दिख नहीं रही है ज़्यादा, बट मिट्टी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। फिलहाल अपनी गाड़ी उठ चुकी है हवा में, वहाँ से वो वाले टायर को चेक कर रहे हो, ये थोड़ी बहुत हवा में आ गई। तो भाई लोग टायर में मिली है कील, और बस वो कील को निकाल रहे हैं, शायद उसी कील की वजह से दिक्कत आ रही थी, बार बार हवा भरवाओ हवा कम हो जा रही है, हवा भरवा हवा कम हो जा रही है, तो वही उस कील को निकालते हैं, फिर सामने यहीं पे हवा भी भरवा सकते हैं हम लोग, तो हवा भरवाएंगे उसके बाद, और फिर देखते हैं उसके बाद, बस दिक्कत ना है। इतना टाइम लगे यहाँ पर हम लोगों को, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले काम करवाते और वाते, बट यार ये काम करवाना ज़रूरी था तो देखते हैं। तो ये देखो भाई ये कील घुसा हुआ था अपने टायर के अंदर, अभी निकाला, इतना बड़ा कील था इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। ओके तो भाई लोग सारा काम हो चुका है, अभी भरवा रहे हम लोग पेट्रोल फिलहाल के लिए, एंड फिर चलते हैं इस गाड़ी को लेकर, पेट्रोल भी क्योंकि कमी है देखो 40 किलोमीटर अभी, देखो इतना जब ये डंडा इतने में आधे से भी थोड़ा इधर आ जाता है ना, उसके बाद इसमें पॉपअप आना शुरू हो जाता है कि 80 किलोमीटर का बचा, 48 ये वो ओके कर देते हैं, एंड फिर यहीं पे हवा भरवा लेंगे। हे गाइस, सो फिलहाल बजे रात के 9, एंड अभी हमारा प्लान बन रहा था बाइक को बाहर निकालने का, लेकिन यार दिक्कत वही है, पहले तो फॉर्च्यूनर निकाली, इसके पीछे एक और हमारी गाड़ी थी उसको हटाया पहले, फिर फॉर्च्यूनर निकाली, फिर अब वहां पर जाओ, फिर मैंने आपको दिन में भी दिखाया था उसको, फिर गाड़ी को बाहर निकालो, फिर बाइक को निकालो, फिर गाड़ी को वापस लगाओ, बहुत झमेला है, और फिर हमारा प्लान ही कैंसिल हो गया, और अभी हम लोग बाइक को लेके नहीं जा रहे, अभी हम लोग फॉर्च्यूनर लेके जा रहे। बहुत दिनों से कुछ चीजें भी खरीदनी थी, वो खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि हम लोग डेली लेट हो जाते थे, 11-12 बज जाते थे, और तब तक यहाँ पर शॉप्स बंद हो जाती है। 9 बज रहे अभी, कुछ शॉप्स खुली होगी, तो अभी चलते हैं फटाफट से कुछ सामान लेते हैं, आज की बाइक राइड कैंसिल होगी, बट कल हम लोग दिन में बाइक बाहर निकालेंगे, देखते हैं क्या सीन बनता है।
ओके सो गाइस घर पहुंच चुका हूं एंड ये देखो यार मेरा वाईफाई भी कब से खुला हुआ है यहां पे, कार वार सब खोल के चले गए आज, बोला था आज ठीक करेंगे। कम से कम 5 दिन हो चुके इसको खराब हुए को और आज जाके वो आए एंड आज भी खोल के गए, कह रहे हैं सुबह ठीक करेंगे। वो तो अच्छा है गाइस घर पे 2 वाईफाई लगे हुए, सनी के रूम में वाईफाई चलता है तो वहीं से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है तो चल रहा है, नहीं तो मेरे वाला वाईफाई चल नहीं रहा। पर ये देखो गाइस सपना हमारा, एक गाड़ी तो आ चुकी है हमारी जीटी, प्यारी जीटी, लेकिन ये गाड़ी कब तक आएगी पता नहीं यार, ये गाड़ी का तो अलग ही सीन है। और जब मैं खरीदूंगा भी ना तो बस यार सेम, बिल्कुल सेम ऐसा कलर चाहिए, ऐसे ही अलॉय चाहिए, ठीक है सब कुछ एकदम डिटो इसकी तरह चाहिए, बट देखते हैं कब तक आएगी अपनी लैम्बो। तब तक के लिए तो इसी से इसको देख के काम चलाना पड़ेगा, बट ठीक है यार बहुत जल्दी आ जाएगी। ओके सो गाइस डिनर अपना हो चुका है एंड कल का दिन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि कल होने वाली है हमारी कावासाकी निंजा ZX10R वर्सेस मस्टैंग GT की रेस। ये प्रॉपर ड्रैग रेस तो नहीं होने वाली कि दोनों बाइक कार को एक साथ ले जाके पूरे रोड पे हम लोग एकदम भगाए, वैसा तो कुछ होने नहीं वाला। देखो पूरा खाली रोड तो नहीं है जहाँ पर हम लोग अच्छे से एकदम ड्रैग रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रोड है जहाँ पर हम लोग जाके कल रेस कर सकते हैं, दोनों की टॉप स्पीड चेक कर सकते हैं, मतलब काफी कुछ करेंगे। एक तरह से होने वाली तो 10R और GT की ड्रैग रेस ही है कल के व्लॉग में, जो कि संडे को आएगा, ये व्लॉग आप लोग सैटरडे को देख रहे होंगे, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा एंड जल्दी जाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी एक चीज है जो मैंने अनबॉक्स नहीं की थी, ये मैंने लाई थी दुबई से, जब मैं लास्ट टाइम दुबई गया था तो मैं लेके आया था काफी सारे ऊद, इनको ऊद बोलते हैं, मतलब होते ये परफ्यूम ही है, परफ्यूम ही समझ जाओ, बट इनको ऊद बोलते हैं वहां पर, ठीक है। तो इनकी स्मेल लेकिन परफ्यूम से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर एक मैंने अनबॉक्स किया हुआ है इसका, तो बॉक्स के पैकेजिंग देखो जरा आप लोग, ये देखो पैकेजिंग कितनी खतरनाक, इसमें यहाँ पर लकड़ी वकड़ी सी ये वाली एंड इसके अंदर है अपना ऊद, ये देख सकते हो, गिर जाता भी फूट जाता भाई, लेकिन इसकी खुशबू जो है ना भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये वाला लेडीज के लिए, तो मैं ये मम्मी के लिए लाया था, एक और भी लाया था वो मैंने उनको दे दिया था, बट ये वाला अनबॉक्स नहीं किया था। इसकी जो बॉटल होने वाली है ना वो भी काफी यूनिक होगी, तो अनबॉक्स करके देखते कैसा है। और भाई मैं ये 4-5-6 महीने पहले लेके आया हूं, तब से अनबॉक्स नहीं किया है, तो अभी चलो खोलते इसको। तो भाई लोग मैंने रैप हटा दिया, बाकी टेबल को थोड़ा सा अनदेखा कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे हाल है रूम के, पूरे रूम के ही बहुत बुरे हाल है, बट टेंशन ना लो बहुत जल्दी अपना रूम तैयार होने वाला है, सिर्फ 10-15 दिन और है हमारा नया रूम, तो बहुत मस्त होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से अपने को यहां से निकालना है शायद, हाँ यस, ओ भाई खतरनाक एज एक्सपेक्टेड। भाई ये कुछ बॉक्स है, यहाँ पे एक और रैप है, यहाँ से इसको बाहर निकालना है, आजा बाहर आजा। ओके भाई ये तो कुछ ज़्यादा यूनिक लग रहा है, ठीक है इसके अंदर और ये रैप इसको हटाते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये रहा अपना ऊद, और ये खुलेगा ऊपर कुछ ऐसे बना हुआ है, ये खुलेगा कुछ ऐसे, अच्छा ये हट ही जाएगा पूरा, ठीक है ये मैग्नेट है ऐसे खुलेगा। एंड अब मैं देखता हूँ इसकी खुशबू कैसी है, वैसे तो ये लेडीज़ के लिए बट फिर भी गाइस कसम से बता रहा हूँ बहुत प्यारी खुशबू है भाई इसकी, कसम से गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारी खुशबू है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बहुत मस्त और बहुत ज्यादा मस्त। इस वाले से ज्यादा बढ़िया ये है, मैंने ये क्योंकि काफी ट्राई किया बट इससे ज्यादा बढ़िया ये लगा मुझे, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है भाई ये। और गाइस बाकी आज के व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, कल के व्लॉग में ना मैं सुबह जाऊंगा यार, घर का काम भी देखूंगा कितना हो चुका है, वैसे कंप्लीट होने वाला है, मेरा दिल इतना ज्यादा खुश है ना कि बस अपना रूम मुझे मिल जाए जल्दी से, बस उसी का वेट कर रहे हैं। और अभी मैं जाता हूँ सोने के लिए क्योंकि कल जल्दी उठना है, कल एक स्पेशल डे है, मस्टैंग और 10R को एक साथ बाहर निकालेंगे उनकी ड्रैग रेस, तो बहुत मजा आने वाला है कल के व्लॉग में। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।